उसने घर के सारे काम एक बार में कर लिए। राहुल एक बार में पूरा केक खा गया। तुम ये सारे चेयर्स एक बार में नहीं ले जा पाओगे। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर के यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है एक बार में। एक बार में इसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं एट वन गो, एट वन गो। आप चाहे तो इन वन गो का भी यूज कर सकते हैं, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। एक बार में के लिए आपको एट या फिर इन का यूज कर देनी है। ओके, सो चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज करना पड़ेगा कंप्लीट सेंटेंस, इसके बाद आपको यूज कर देने एट वन गो या फिर इन वन गो। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसने घर के सारे काम एक बार में कर लिए। सी डिड ऑल द हाउस चोर्स इन वन गो, सी डिड ऑल द हाउस चोर्स इन वन गो। तुम ये सारे चेयर्स एक बार में नहीं ले जा पाओगे। यू वोंट बी एबल टू कैरी ऑल दिस चेयर्स इन वन गो, यू वोंट बी एबल टू कैरी ऑल दिस चेयर्स इन वन गो। और यू कैन से यू वोंट बी एबल टू कैरी ऑल दिस चेयर्स एट वन गो, यू वोंट बी एबल टू कैरी ऑल दिस चेयर्स एट वन गो। उसने एक ही बार में सारी मिठाइयां खा ली। He ate all the sweets in one go. He ate all the sweets in one go. Rahul एक बार में पूरा केक खा गया। Rahul ate the whole cake at one go. Rahul ate the whole cake at one go. ये दवा तुम्हें एक बार में लेना है। You have to take this medicine in one go. You have to take this medicine in one go. एक बार में पूरी मिठाइयाँ खा जाओगे क्या तुम? Will you eat all the sweets in one go? Will you eat all the sweets in one go? क्या तुमने कभी कोई पूरी वेब सीरीज एक बार में देखी है? Have you ever watched an entire web series in one go? Have you ever watched an entire web series in one go?